सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज की सभा में मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना समय निकाला और उसके बाद यहाँ पर उपस्थित हुए और एक बहुत ही ज्वलंत विषय है और समाज 26 करोड़ लोगों से सरोकार रखता है उसके ऊपर यह गहन गंभीरता से चिंतन किया और उसके ऊपर अपने अपने विचार रखे। दोनों तरह की विचारधारा है, गर्म दल और नरम दल, दोनों जरूरी है लेकिन दोनों में सामंजस्य जरूरी है। आप इसको हमें आगे बढ़ना है, इसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, प्रभावी कैसे बनाया जाए, मेमोरेंडम को एक कागज का टुकड़ा न रहे ये कुछ असर दिखाए, इसके लिए काम। और अगर हमारा प्रयास, आपका प्रयास रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो शायद हमारा प्रयास आज विफल रहता है और हमें एंश्योर करना है कि हमारा प्रयास सफल हो, परिणाम ओरिएंटेड हो। और जो 26 करोड़ लोग हैं उन लोगों का सरोकार पूरा हो। यहां मैं एक बात कहना चाहूं कि हमारे सभी के अंदर क्षमताएं बहुत है, हमारे अंदर कैपेसिटीज है, जुनून है, जोश है, उसको जरूरत है एक मीनिंगफुल तरीके से जोड़ने की, उसको कन्वर्ट करने, उसको कन्वर्ट करें। और उसके लिए कन्वर्ट करने का है कि धैर्य रखें, बौद्धिक मंथन करना बहुत जरूरी है। जो बौद्धिक शक्ति है उसके अलावा कोई काम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कुछ भी इसके आगे, क्योंकि अपने बारे में नहीं कहूंगा। और इतना जरूर है कि हाँ आप लोग यहाँ आए और जो आयोजक समिति है जिन्होंने आयोजन किया है वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जो इन्होंने यहाँ पर चाय नाश्ता पिलाया, जो साफ सफाई कराई, इसकी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप यहाँ आए, अपने विचार रखें, अपने दर्द, अपने गुस्सा, अपना रोष यहाँ प्रदर्शित किया, अपने शब्दों में व्यक्त किया, ये वाकई में ही एक बहुत ही आप सभी की समर्पण की भावना को या समाज के साथ जुड़ाव की भावना को, समाज के लिए जो एक हमारा दर्द है, हम कुछ करना चाहते हैं उसकी भावना का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और उम्मीद है हम इसको आज यहाँ एकदम लोग हैं और आगे बढ़ेंगे और आगे हम जुड़ेंगे सभी क्षेत्रों में। हमें आगे बढ़ना है, अपनी क्षमताओं का विकास करना है, एक दूसरे से कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम जब तक अपने अंदर क्षमताओं नहीं बढ़ाएंगे, बाबा साहब का कि क्षमताओं को देखिएगा और अपनी क्षमताओं को देखिएगा, जो क्षमताएं दूसरों की हैं उनको देखिएगा, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक बात विश्वास कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेरी क्षमताएं कम नहीं है किसी से भी। हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास चाहे थोड़े से रखें, उनकी दूसरों की क्षमताएं बहुत बड़ी, कोई ऐसी तो तीर नहीं है जो वो आपको हराते चले जाएं, लेकिन एक जीतने का, एक विजय प्राप्त करने का एक जो जज्बा होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए, वो निरंतरता का मतलब है। सिर्फ मीटिंग आकर के यहाँ करके उसका ही सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, एक उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, जब तक हम सस्टेन करेंगे और सस्टेन करने के बाद में हम बाउंस बैक करेंगे, रिजिलियंस हम दिखाएंगे अपने अंदर, तो रिजिलियंस जो है उससे बड़ा कोई हार्डनेस दिखाएं उससे बड़ा कोई अच्छा आपको नहीं मिल सकता है। और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।